नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ चौधरी शर्मिला, भूलका सागर विद्याभवन में आप सौनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आपने हिंदी में पांचमी कविता छे धरती को महकाइए, एमा आपने शू जोई गया कि बागना फूलों छे ए केवा आंधी आवे, तूफान आवे के वरसाद आवे, पण तेओ हमेशा हसता हसता बधुं सहन करे छे। पछी आपणे जोयुं सूरज, सूरजने जोईने आपणे शुं शीख मळे के ते रातना अंधाराने दूर करीने आखा संसारने प्रकाशित करे छे। एना पछी आपणे शुं जोयुं दीपक, दीपक एटले के दीवो, ते जाते बळीने बीजाने आखा दुनियाने अजवाळुं आपे छे। तो आपणे एक मनुष्य तरीके सारा एवा काम करीने आपणा संसारने, आपणुं संसारमां आपणुं नाम रोशन करवुं जोईए अने आपणे हमेशा सारा कामो करवा जोईए। आ विषे आपणे धरती को महकाएमां समझी गया। आपणे हवे महकाईए ए कवितानी स्वाध्याय पोथी पूरीशुं। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्टक में लिखिए। एक, खुश खुश कौन रहते हैं, तो इनो जवाब छे फूल। बीजू, सूरज की किरणें रोज खाली जगह पर आती है, तो एनो जवाब छे धरती। त्रीजू, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, तो एनो जवाब आवशे हृदय। चार, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है, एनो जवाब आवशे ए दुनिया को। पाँच, हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी खाली जगह को महकाए, तो एनो जवाब आवशे बी धरती। आगळ जोईए प्रश्न बे, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपने यहाँ कोष्टक में जवाब आप्या छे, अहीं योग्य अक्षर मूकीने आपणे साची खाली जगह पूरवानी छे। आपणे जोईशुं एक, बगिया के फूलों को देखो कैसे खाली जगह रहते हैं, एनो जवाब आवशे खुश खुश, आपणे खाली जगह में अहीं लखवानुं छे। बीजी खाली जगह, सूरज की खाली जगह को देखो रोज धरा पर आती है, तो एनो जवाब आवशे किरणों, अहीं लखवानुं तमारे जवाब में किरणों। त्रीजी खाली जगह जोईए, खाली जगह को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, तो एनो जवाब आवशे दीपक, तो तमारे खाली जगह में लखवानुं दीपक। चौथी खाली जगह, आओ हम भी खाली जगह बनकर जग में अपना नाम कमाए, तो एनो जवाब आवे इंसा, इंसा एटले के इंसान। प्रश्न त्रण जोईशुं, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। एक, जगत को रोशन करने के लिए दीपक अपना हृदय जलाता है, तो आ जवाब छे ए तमारे आ खाली जग्या में लखवानो रहेशे। बीजू जोईए, सूरज की किरणों सारे संसार को चमकाती है, एनो जवाब छे क, तो तमारे आ खाली जग्या में तमारे लखवानो रहेशे। हवे जोईशुं 32 नंबरना पेज पर प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल छे, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखने को मिलते हैं। बीजो सवाल, प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? प्रकृति के तत्व
अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश है। तीजो सवाल, कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता? आंधी और पानी, पानी एटले के वर्षा एटले के बारिश फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते हैं। चौथो सवाल, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे? धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम कूड़े कचरे को इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। पांचवा सवाल, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जग में नाम कमाने के लिए हमें सदा अच्छे काम करने चाहिए, दिन ही दिन लोगों की सेवा करनी चाहिए। छठा सवाल, प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है? प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हवे आपने जोईशु प्रश्न 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल 1, फूल, सूरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सूरज अंधेरा दूर करके हमें प्रकाश देता है। दीपक स्वयं जलकर जग को रोशन करता है। इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहकर अपना काम करना चाहिए। बीजो सवाल जोइए, यदि सूरज न निकलता और बगीचे में पेड़ चलते तो क्या होता? जवाब जोइए, दिन न होता, सूर्य का प्रकाश न मिलता, सूर्य प्रकाश न होने पर कहीं वनस्पति न होती और हरियाली का नामो निशान न होता। यदि बगिया में पेड़ चलते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में टकराते और उनकी शाखाएं और टहनियां टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई बगिया में जा नहीं सकता। हवे आपने जोईशु प्रश्न 6। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 जोईशु, रोशन करना, एनो अर्थ थशे प्रकाशित करना। एनु वाक्य बनसे, दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। बीजू छे इंसान बनना, एनो अर्थ थशे अच्छा आदमी बनना। अने इनु वाक्य बनसे, अच्छे काम करके ही हम इंसान बन सकते हैं। त्रीजो जोइए नाम कमाना, एनो अर्थ थशे यश पाना। अने इनु वाक्य बनसे, गांधीजी ने दुनिया में नाम कमाया। अवे पाना नंबर 33 पर आपने प्रश्न नंबर 7 जोईशु। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, समानार्थी शब्दों अर्थ लखवानो छे अने अर्थनो वाक्य बनावानो छे। एक छे पुष्प अने एनो अर्थ थशे फूल, अने फूलनो आपणे वाक्य बनावानो छे, मुझे फूल पसंद है। बीजू छे सूरज, तो सूरजनो अर्थ थशे रवि, अने वाक्य बनसे हम रवि को नमन करते हैं। त्रीजू छे भूमि, तो एनो अर्थ थशे धरती, अने वाक्य बनावानु छे धरतीनु, यहाँ की धरती उपजाऊ है। चौथू छे मानव, तो मानवनो अर्थ थाय इंसान, वाक्य बनावानु छे आपणे इंसाननु, इंसान अक्लमंद प्राणी है। त्रीजू दिया,
दियानो अर्थ थशे दीपक अने दीपक नु वाक्य बनशे रात में दीपक प्रकाश देता है। प्रश्न आठ जोइए। कोष्टक में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्टक में जवाब आप्या छे त्यां जोईने आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। तुम्हारा नाम खाली जग्या है तो एनो जवाब आवशे क्या। तुम्हारा नाम क्या है। बीजी खाली जग्या, देखो तो खाली जग्या इधर ही आ रहा है तो एनो जवाब आवशे कोई। देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। त्रीजी खाली जग्या, खाने के लिए खाली जग्या तो दे दो, बहुत भूख लगी है। एनो जवाब आवशे कुछ। खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथी खाली जग्या, मैंने खाली जग्या काम पूरा कर दिया तो एनो जवाब आवशे अपना। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचमी खाली जग्या, खाली जग्या कहाँ जा रहे हो तो एनो जवाब आवशे आप। तो आप कहाँ जा रहे हो। प्रश्न नंबर नौ जोईशुं। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। अहीं लड़का छे तो एनु आपणे बहुवचन करवानुं छे। एक जोईशुं लड़का एटले के एनु वचन परिवर्तन थशे लड़के। बीजू छे पंखा तो एनु थशे पंखे। त्रीजू छे आँख तो आँखनुं वचन परिवर्तन थशे आँखे। चार नंबर किताब, किताब एटले के किताबे। चार नंबर पोंदा। पांच नंबर पोंदा तो एनु वचन परिवर्तन थशे पोंदे। छ नंबर पेन्सिल तो एनु वचन परिवर्तन थशे पेन्सिले। विद्यार्थी मित्रों, अहीं पांचमी कविता धरती को महकाये स्वाध्याय पोथी अहीं पूर्ण थाय छे। अस्तु।